मैं गोवा से आया हूँ, सुभाष फल्लीसाय मेरा नाम है, गोवा का मंत्री हूँ और मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बहुत सारे मुस्लिम है और उस मुस्लिम के लिए मैं बड़ा कब्रिस्तान भी वहां पे बनाया है, 3 करोड़ का कब्रिस्तान वहां पे बनाया है। आप पूरे इंडिया में आप ऐसा कब्रिस्तान कहीं पे भी देखा नहीं होता। आपका अगर कोई रिश्तेदार वहां पे है तो उनको बता दो ये भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी का। गोवा सरकार ने एक अच्छा कब्रिस्तान सांगे में बनाया है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और बहुत खुशी होती है हमारे मुस्लिम भाई बहन हमारे सामने आके हमसे बात करते और हमको इतना स्वागत करते। इसीलिए आपको जानना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट शिवराम हेबर जी आपके सामने आए हैं। ऐसा मत समझो कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों से दूर होती चली रहे। आप दुनिया में अभी कहीं पे भी देख लियो, आप जब नरेंद्र मोदी कहीं पे भी जाते हैं तो मुस्लिम भाई बहन उसके सामने आके उनका बहुत ही जबरदस्त स्वागत करते हैं। इसीलिए मैं आज खुशी हो रही है हम इस मुस्लिम इलाके में आए हैं और आपने जोरों से हमारा स्वागत भी किया है। भाइयों और बहनों, आपको पता है भारत एक ऐसा देश है विश्व गुरु बनने के लिए हमारे विश्व नेता नरेंद्र मोदी जी जहां पे भी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, फ्रेंच फ्रांस जाते हैं, रशिया जाते हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए वहां की सरकार, वहां के प्राइम प्रेसिडेंट, वहां के 6 महीनों पहले चकाचक रास्ता वगैरह करते हैं। और इसी तरीके से हम जिस पार्टी में है वो दुनिया में सबसे बड़ी और अच्छी पार्टी है। कोई भी होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, मुस्लिम होगा, हिंदू होगा, किसी तरीके का कोई भी डिफरेंस हम नहीं लग सकते। इसीलिए आपने देखा है शिवराम हेबर जी आज आपके सामने हैं, उनका काम करने का तरीका आपने देखा है, उनकी एफिशिएंसी देखी है, उनकी कार्यक्षमता देखी है। रात को 2 बजे 1 बजे कोई भी मुसीबत खड़ी होती है तो एक फोन लगाओ, उनके कार्यकर्ता लोग, उनके परिवार के लोग आपके सामने आएंगे। मैं हमने देखा है कोविड के समय में हमारे भाई हमारे रिश्तेदार दूर दूर चले जाते थे, घर में गाड़ी होती थी लेकिन कोविड पेशेंट को उठाने के लिए कोई सामने नहीं आता था। तब शिवराम हेबर जी ने यहाँ पे एम्बुलेंस रखी थी, अपने कार्यकर्ता लोग रखे थे यहाँ पे उसको अस्पताल लेके जाने के लिए, उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए, उनको मेडिसिन देने के लिए, उनको फूड किट देने के लिए उनकी सारी तैयारी कर रखी थी। आज ही मैं हम देखते हैं यहाँ पे छोटे छोटे इलाके से, मैं 15 दिनों से यहाँ पे घूम रहा हूँ, बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 190 किलोमीटर ऐसी ही है, घूमते फिरते हम ऐसे रास्ते देखते हैं। शिवराम हेबर साहब सिर्फ 3 साल पहले मिनिस्टर बने, 2 साल कोविड में गए, कोई भी निधि नहीं था, कोई भी फंडिंग नहीं थी, लेकिन बचे हुए 1 साल में हम जाते हैं तो रास्ता देखते हैं, हर गली में यहाँ पे कंक्रीट का रास्ता बना है, बहुत बेहतरीन तरीके से जो सुविधाएं हमें होनी चाहिए वो मुहैया करा के दे दिए है। हमारे प्राइमरी स्कूल्स रहेंगे, हमारे आंगनवाड़ी रहेगी, हमारे कॉलेजेस रहेंगे, हमारे मेडिकल कॉलेजेस रहेंगे, हमारे तांत्रिक शिक्षण के लिए वो सुविधाएं देनी चाहिए, अस्पताल में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आपकी दवाइयों के लिए पैसा लाना चाहिए, ये सब करके दे देंगे शिवराम हेबर साहब। आप एक बार 5 साल का पूरे मिनिस्ट्री का अवसर उनको प्रदान कीजिए और देखिए क्या मजब होता है, क्या क्या विकास होता है, क्या डेवलपमेंट होता है, सब सबके लिए, सबका साथ सबका विकास। हमारे नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विश्व विकास, लेकिन ये करने के लिए सबका प्रयास रहना चाहिए और सबका विश्वास भी रखना चाहिए। हम बड़े विश्वास के साथ हम प्रयास करेंगे, मिशेल हेबर साहब को उनकी तो जीत हो गई है, हम प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा वोट देके उनको बहुत ही बढ़त मिला के यहाँ से हम चुन के लाएंगे और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की खुद की सरकार आएगी और यहाँ पे बहुत ही विकास होगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारा घूमना है, इसीलिए आपको एक बार विनती करता हूँ आने वाले 10 मई को आप ध्यान में रखिए और कोई भी चिन्ह आपके सामने नहीं आएगा। नंबर 1 पे है वो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल, हेबर जी का फूल, वो कमल उसी के ऊपर निशाने के ऊपर आप बटन प्रेस कीजिए और फिर एक बार पूरे कर्नाटक में नंबर 1 बना के हेबर साहब को जिता के लाइए और बड़ा सा मिनिस्ट्री लेके यहाँ पे आपका विकास करने के लिए उनको आप वोट करेंगे। इसी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, एक बार मौका दीजिए और देखिए विकास क्या चीज होती है।
भारतीय जनता पार्टी के भारत माता की वंदे। धन्यवाद।